नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की जांच अब तक जारी है। इस बीच WHO और चीन के विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। इस टीम ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि वुहान की एक लैब से कोरोना फैलने की शुरुआत हुई। वहीं WHO ने यह भी कहा है कि चीन के वुहान शहर में COVID-19 की उत्पत्ति आयातित फ्रोजन फूड से होने की संभावना बेहद कम है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन की ओर से बताए गए कारण पर उन्होंने संदेह जताया। चीन ने उस शुरुआती धारणा पर सवाल उठाए थे कि कोरोना वायरस की शुरुआत उसके वुहान शहर से हुई थी और उसने कोरोना वायरस के शुरुआती प्रकोप की खबरों को छुपाया और वायरस पर नियंत्रण के प्रयासों में कोताही बरती। आधिकारिक तौर पर जारी होने के पहले AFP को मिली रिपोर्ट के अनुसार WHO की ओर से नियुक्त टीम और चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस के कोल्ड चैन कंटेमिनेशनल के कारण होने की संभावना बेहद कम है। इसमें यह भी कहा गया है कि दिसंबर में चीन में वायरस की फ्रोजन फूड से हुई शुरुआत असाधारण रही होगी क्योंकि उस समय से वायरस और कहीं नहीं पाया गया। इसमें कहा गया कि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वायरस के फैलने में फ्रोजन फूड की कोई अहम भूमिका थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि COVID-19 इंसानों में चमगादड़ों के जरिए फैला, लेकिन उन्होंने इस धारणा को नकारा है कि वायरस मध्य चीन के हाई सिक्योरिटी लैब से लीक हुआ। अपनी रिपोर्टों में विशेषज्ञों ने कहा है कि इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा लगती है कि चमगादड़ों या फिर दूसरे जानवरों से इंसानों में कोरोना वायरस आया है और इसके बाद इंसानों से इंसानों में ये फैल गया। कोरोना वायरस कहाँ पैदा हुआ और ये कैसे फैला, इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने चीन में अपनी स्टडी के बाद ये रिपोर्ट दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।